हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल आर एस अपने प्रॉपर्टी। हमारा सपना सबका घर होगा अपना। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर एस अपने प्रॉपर्टी का काम है सच्चा और अच्छा, और आज फिर से लेकर आ चुके 3 BHK लग्जरी बुलबुल का बच्चा। दोस्तों, इसको 2+1 बोलेंगे, बाकी सारी चीजें अंदर दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर एंटर करेंगे तो 8 फीट डोर मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एलेक्सा एनेबल होने वाला, डिजिटल होने वाला सारा। यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट से ओपन रहेगा, फिंगरप्रिंट से ओपन रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर आपका एक कार्ड से भी ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करते हैं दोस्तों, सबसे बड़े यहाँ पर देखेंगे कि एलेक्सा एनेबल, जैसे मैं बताया था कि एलेक्सा एनेबल रहेगा, तो यहाँ से हम कोई भी लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पे हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइंग डाइनिंग एरिया की बहुत ही ज़्यादा खुले स्पेस के साथ होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों कि ये जो हमारा फ्लैट होने वाला है 125 गज में ये फ्लैट होने वाला है, और शानदार स्पेस, मतलब रूम साइज भी इसके बहुत ज़्यादा खुले रहने वाले। और ड्राइंग डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करूँ कि 10 सीटर सोफा भी अगर हम लगाए, उसके बाद स्पेस आप देख सकते हैं राउंड टेबल लगने के बाद भी स्पेस हमारे पास काफ़ी बचा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे इसके ठीक सामने दोस्तों हमारा डाइनिंग टेबल्स आ जाएगा। डाइनिंग टेबल्स की हम बात करूँ तो 7 सीटर भी अगर डाइनिंग टेबल्स आप लगाना चाहे, 8 सीटर भी आप लगाना चाहे, तो स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है। और डाइनिंग टेबल्स आप देख सकते हैं कि लगने के बाद भी स्पेस हमारे पास काफ़ी बचा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एज इट इज, जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये इस तरीके से एज इट इज मिलने वाला है, यानी कि प्लान आपको डोर मिलेगी। वॉल की समय बात करो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे वुडन वॉल जो होगा ये आपको नहीं मिलेगा, एज इट इज नॉर्मल वॉल आपको इस तरीके से मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करोगे फॉल्स सीलिंग का, आप देखेंगे जो LED लाइट्स वगैरह है फॉल्स सीलिंग में, वो एज इट इज आपको मिलने वाली है। झूमर वगैरह जो एक्स्ट्रा लाइट लगी है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंटर करते हैं अपने किचन की तरफ। तो किचन यहाँ पर देखेंगे हमारा मॉड्यूलर किचन रहेगा, और सबसे बड़ी खूबसूरती आप स्पेस देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस हमें यहाँ पर किचन में मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट, कितना बेहतरीन यहाँ पर शाइनिंग का ग्रेनाइट लगाया गया। ऊपर देखिए क्रीम कलर की टाइल्स आ गई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल टफन ग्लास के साथ, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारे कैबिनेट मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्लो मोशन में, मतलब स्लो क्लोजर यहाँ पर होने वाले, और ये एज इट इज ही आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए वुडन वर्क और शानदार चीज़ें, मतलब जो हमारा किचन रहेगा मॉड्यूलर वो एज इट इज हमारा जो है यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सिंक रहेंगे साउंडलेस सिंक होने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंडलेस, यानी कि यहाँ पर कोई भी बर्तन गिरता कोई आवाज़ नहीं आएगी। विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन के प्रॉब्लम ना रहे। गीजर आरओ की दोस्तों यहाँ पर फिटिंग आपको मिलने वाली कंप्लीट एज इट इज़। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन एज इट इज़ ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ओवन वगैरह हमने रखना, माइक्रोवेव रखना, उसके लिए स्पेस यहाँ पर दिया गया है। एक्स्ट्रा कैबिनेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो कि कोई भी आपने बॉक्स वगैरह रखेंगे तो अंदर ही आप लोग बॉक्स रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कैबिनेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ये दोस्तों हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, जो कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ही खुले स्पेस के साथ होने वाला है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। और बेडरूम आप देखेंगे जो कि बेहतरीन, यानी कि सबसे बड़ी खूबसूरती है कि डबल बेड लगने के बाद भी आप रूम साइज, मतलब साइज देखिए यहाँ पर इजिली, अगर आप एक सोफा भी लगाना चाहें फिर भी आप लगा सकते हैं, इतना स्पेस बचा हुआ है। रूम साइज की हम बात करूँ तो 13x10 का रूम साइज होने वाला, जो कि काफ़ी खुले स्पेस के साथ हमारा रहेगा दोस्तों। पीछे आप देखें दोस्तों पीओपी की मैं बात करूँ तो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल वॉल आपको मिलने वाली, ये आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी, नॉर्मल वॉल ही आपको मिलेगी। फॉल सेलिंग की LED लाइट्स के साथ एज इट इज मिलने वाली, झूमर वगैरह इंक्लूड इसमें नहीं रहेगा दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों ये हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर खूबसूरती है कि टाइल्स से ऊपर तक कवर की गई है, ताकि नमी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको ना आ सके। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल कैबिनेट के साथ तैयार करके दिया गया, ताकि आप कोई भी सामान स्टोर करना चाहे तो आप सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी देखिए टोटल चीज़ आप देखेंगे, मतलब फिनिशिंग देखिए शानदार से, शॉवर देखिए कितना शानदार है, गीजर की फिटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, विंडो दी गई है ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आ सके। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट बेडरूम के साथ दोस्तों ये आ जाएगी हमारी कवर्ड। कवर्ड भी दोस्तों एज इट इज आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट कलर से कवर किया गया, एज इट इज ही आपको ये मिलने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा सेकंड बेडरूम, और सेकंड बेडरूम भी दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बात की थी रूम साइज की, तो रूम साइज दोस्तों सेम होने वाला है, यानी कि 13x10 का रूम साइज इसका होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बैकग्राउंड में यहाँ पर इतना शानदार तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, मतलब नॉर्मल वॉल इस तरीके से ही आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर भी आप देखें किंग साइज डबल बेड लगा हुआ है, किंग साइज डबल बेड लगने के बाद भी स्पेस हमारा काफी बचा हुआ है। यहाँ पर कैबिनेट लगा हुआ है, फिर भी स्पेस आप देख सकते हैं काफी स्पेस हमारा बचा हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों ये हमारा आ जाएगा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर स्पेस काफ़ी मिला हुआ है, यानी कि वॉशिंग मशीन रखने के बाद भी स्पेस हमारे पास काफ़ी बच जाएगा, और इजीली यहाँ पर आप आराम से वॉशिंग कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर चाहे तो दोस्तों गमले लगा सकते हैं, मतलब कोई भी आपने गार्डनिंग करनी तो इजीली छोटे छोटे गमले यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप चलिए दोस्तों आपको इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों बढ़ेगा हम थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये इसका आ जाएगा दोस्तों अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर की टाइल्स से कवर किया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक जगह बना दी गई है लाइट के साथ, ताकि इसकी फिनिशिंग शानदार आए।
उसके साथ साथ यहाँ पर भी दोस्तों कैबिनेट एज इट इज मिल रहे, जिसके लिए आपको दिखाया था एज इट इज ये कैबिनेट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों विंडो, ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको ना आ सके। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भी कवर्स इंक्लूड रहेगी, आप देख सकते हैं ये कवर्स आपको आ जाएगी और ये कवर्स भी एज इट इज ही आपको मिलने वाली है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंप्लीट कवर्स एज इट इज आपको मिलने वाली है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम, इसमें भी आप देखेंगे फॉल सीलिंग का काम कितना बेहतरीन डिजाइन से किया गया, इसकी एलईडी लाइट्स फॉल सीलिंग में एज इट इज आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की तरफ, और यहाँ पर थर्ड बेडरूम जो रहेगा दोस्तों हमारा 2+1 हमारा रहेगा, और यहाँ पर भी इसमें एंट्री मिल जाएगी हमें यहाँ से। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वॉशरूम नहीं रहेगा तीसरे बेडरूम में, ये एंट्री दोस्तों हमारी बाहर से रहेगी, अगर आप चाहें तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती आप रोड देखिए दोस्तों, मतलब बेहतरीन रोड हमें मिलने वाला है, यानी कि पार्किंग का कोई इशू नहीं रहेगा। सबसे बड़ी खूबसूरती आप सामने देखिए, बिल्कुल जस्ट पास में मात्र दोस्तों 10 मीटर की दूरी पर हमारा 200 फीट रोड आ जाता है, यानी कि हाईवे के जस्ट ऊपर हमारा ये फ्लैट होने वाला है 200 फीट रोड के पास। तो चलिए दोस्तों ये वाला भी आप बेडरूम आप देख लीजिए, इसका रूम साइज थोड़ा सा छोटा होने वाला है, यानी कि फिर भी आप देख सकते हैं कि डबल बेड लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस हमारा बचा हुआ है, उससे थोड़ा सा कम इसका रूम साइज रहेगा। ये भी दोस्तों एज इट इज यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें भी प्लेन वॉल आपको मिलने वाली, ऊपर का जो फॉल सीलिंग काम है वो एज इट इज ही आपको मिलने वाला है। साथ में दोस्तों कवर्स वगैरह इसमें इंक्लूड रहेगी, जो कि एज इट इज मिल जाएगी आपको, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कवर्स हमारी एज इट इज ही आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि 200 फीट रोड के पास में इसके प्राइस की बात करूं तो 39,90,000 का इसका प्राइस रहेगा, यानी कि 40 लाख रुपए इसका प्राइस है। 125 गज में ये फ्लैट हमारा होने वाला है, 2+1 यानी कि 2 BHK कंप्लीट रहेगा, 1 रूम सेट में इसमें दोस्तों हमारा सिर्फ वॉशरूम नहीं रहेगा, बाकी एज इट इज कंप्लीट रहेगा। 200 फीट रोड के जस्ट पास में, यानी कि 10 मीटर की दूरी पर 200 फीट रोड होने वाला है। आपने दोस्तों बूथ मार्केट जाना बिल्कुल पास में, KFC मात्र 201 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर रहेगा, विद्या वैल्यू स्कूल पास में आ जाएगा। खूबसूरती दोस्तों स्पेस हमारा काफ़ी है, 125 गज का ये फ्लैट है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए का, 15 लाख से लेकर 20% डाउन पेमेंट करनी है, बाकी इसके ऊपर लोन करा देगा, यानी कि 80% से लेकर 85% आपका लोन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेगा दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।